हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे ज़बरदस्त रिटर्न शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दिए। पिछले 5 साल के अंदर अगर डाटा देखें तो 5 साल में 18 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये के पार पहुँच गया है इस बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड के शेयरों का भाव। यानी कि इस पीरियड में लगभग 6500% तक के रिटर्न निकले हैं। मैं और अधिक जानकारी के साथ इस शेयर के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आपको आने वाले टाइम में ये शेयर किस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। यानी कि कंपनी की पूरी बायोग्राफी समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे कैसी कंपनी काम करती है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, और क्या इसका आपको आने वाले टाइम में अपने पोर्टफोलियो के अंदर दम दिखाई दे सकता है। आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से ब्रीफ देना मेरा काम है, और उसके बाद डेफिनेटली, क्योंकि आप सभी यही ढूंढते हैं कि कौन सा बढ़िया शेयर है, कौन सा बढ़िया शेयर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट गाड़ी कमाई सेफ रहे और आगे बढ़ती रहे। तो इसी मोटो के साथ मैं अपनी बोनस पिक को लेकर आता हूँ संडे के दिन, और पूरी की पूरी बायोग्राफी कंपनी के बारे में बताता हूँ, किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है और किस हिसाब से कंपनी के अंदर क्वार्टरली बाई क्वार्टरली ग्रोथ बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। यानी कि पूरा का पूरा डाटा आप समझ लीजिएगा पहले, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी यह कंपनी पिछले 5 साल में 56% रिटर्न दे चुकी है, और कंपनी बेस्ट एग्रो लाइफ के नाम से जानी जाती है। कंपनी के शेयर पिछले 5 साल में 18 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये के पार पहुंच गए हैं, और यही रीज़न है कि कंपनी धीरे धीरे बहुत बढ़िया रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। आशीष कचोलिया जी ने खरीदे 3.18 लाख शेयर, तो यानी कि अब इस शेयर के ऊपर जो अपडेट आती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि 30 अगस्त 2022 को आशीष कचोलिया जी ने एक भारी भरकम डील की है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस कंपनी के अंदर 940 रुपये प्रति शेयर के भाव से अपने इतने ज़्यादा शेयर यानी कि 318,000 शेयरों को ख़रीदा है, और यही रीज़न है कि अब इस शेयर के अंदर एक अप मूव आता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले किस हिसाब से कंपनी ने रिटर्न दिए और किस हिसाब से कंपनी आपको आने वाले टाइम में भी बढ़िया रिटर्न दे सकती है, तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलूँगा कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ समझेंगे कंपनी क्या करती है, फिर मैं फाइनेंशियली रूप से आपको बताऊँगा कि कंपनी की ग्रोथ क्या है। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, किस हिसाब से कंपनी की वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो प्रोडक्ट और वीडियो दिखाया गया है फार्मर्स के लिए, यानी कि कंपनी पूरी तरीके से फार्मर के लिए काम करती हुई दिखाई देती है, लीडिंग द वे अहेड, और यही रीज़न है कि वो इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च करती है और उसी रिसर्च के बाद अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करती हुई दिखाई देती है। जिस हिसाब से इंडिया के पास इतना लैंड है एग्रीकल्चर्स के लिए, और वही रीज़न है कि देश के अंदर इस समय पैदावार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और दुनिया के अंदर हम अपना धाक जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी अपनी R&D सेटअप के द्वारा पूरी R&D और जिस हिसाब से देश के लिए अपना काम करती हुई नज़र आ रही है। तो ये कंपनी की टैगलाइन है, फार्मर इज़ द फर्स्ट ऑलवेज इन द बेस्ट, और ये रीज़न है कि कंपनी फार्मर्स के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है और अपने सेगमेंट के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट बनाती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ कंपनी की ग्रोथ है वो यही है कि फार्मर फ्रेंडली सॉल्यूशन लेकर आना, और फार्मर फ्रेंडली सॉल्यूशन के साथ आप ये समझिएगा कि इस समय देश के अंदर जितनी लैंड हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर लैंड अपने देश के अंदर है, और यही रीज़न है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाले देशों के अंदर गिने जाते हैं। जहाँ पर आप देखेंगे गेहूँ हो, उसके बाद चावल हो, और दुनिया भर की दालें हों, काफ़ी बढ़िया तरीके से उगाई जाती हैं, कॉटन के मामले में, प्याज के मामले में, टमाटर के मामले में, और धीरे धीरे बहुत सारी नई फसलें, नए सेगमेंट्स और नए इनोवेशन होते हुए इन्हीं रिसर्च कंपनियों के द्वारा किसानों को दिए जाते हैं। फिर वो किसान अपने खेत के अंदर उसके ऊपर काम करते हैं और धीरे धीरे एक नई फसल, नए प्रोडक्ट, नए इनोवेट आपको मार्केट के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। वी आर क्यूरियस एंड वी परस्यू इट। समझिएगा कि कंपनी किस हिसाब से अपने विज़न को काम करती हुई दिखाई दे रही है, और जो एफर्ट कंपनी R&D के ऊपर लगाती हुई दिखाई दे रही है उसी का रीज़न है पूरे देश के अंदर इस तरह की कंपनियां देश की सेवा भी कर रही है, और देश के लिए और पूरे देश का नाम रोशन करते हुए हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई जा रही है। लेट्स कम टुगेदर फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर।
यानी कि कंपनी की कोर टैगलाइन है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कंपनी के बारे में बताया गया है। मैं आपको सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ कि कंपनी बनाती क्या है, फिर हम बात करेंगे कि कंपनी की ग्रोथ फैक्टर क्या है, और यही रीज़न है कि कंपनी धीरे धीरे आप समझेंगे कि एकदम बढ़िया तरीके से ग्रोथ बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये पहला प्रोडक्ट है, ये तीसरा प्रोडक्ट है, फंगिसाइड है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन है, एंड देन ये सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट है जो कंपनी बना रही है, और यही रीज़न है कि कंपनी की जो ग्रोथ है और जो रीच है वो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको इस समय नज़र आ रहे हैं, जो हमें खेती के दौरान यूज़ करने के लिए किसानों के द्वारा लिए जाते हैं, और ये काफ़ी जगह मिलते हुए नज़र आते हैं। और यही रीज़न है कि ये कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ के साथ साथ किसानों के लिए जिस हिसाब से काम करती हुई नज़र आ रही है, यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, हम फार्मर के लिए हैं। और यही रीज़न है कि जो टैगलाइन इस समय कंपनी के पास है और इतने सारे प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती हुई दिखाई दे रही है, ये ग्रोथ स्टोरी है इस कंपनी की। तो कंपनी 1992 में बनी और उसके बाद धीरे धीरे अपना कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। 1992 के बाद इसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, जैसा कि इसकी शेयर लिस्टिंग होती हुई नज़र आती है, उसके बाद से इसने काफ़ी भारी भरकम रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई है। और यही रीज़न है कि कंपनी के पास जो प्रोडक्ट हैं और जो R&D सेटअप है और जिस हिसाब से कंपनी का विज़न है, वो डेफिनेटली इस बात की गवाही देता है कि कंपनी का जो लंबे टर्न का और लंबी गेम का जो काम है, वो डेफिनेटली आप समझेंगे चार्ट के ऊपर भी इस समय दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद हमने ये शेयर अपने लिए चूज़ किया बोनस पिक के अंदर, जहां पर हम देखेंगे किस हिसाब से बड़े बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर पैसे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहां समझेंगे कि आर प्रोडक्ट आर वेल रिसर्च एंड इकोनॉमिकली प्राइस्ड इजीली एक्सेसिबल इन 30+ कंट्री अक्रॉस द ग्लोब एंड पैन इंडिया। तो यहाँ पर ये टैगलाइन है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है इनका और इकोनॉमिकली प्राइस्ड बहुत बढ़िया है, इसीलिए 30 से ज़्यादा कंट्री के अंदर और पूरी की पूरी पैन इंडिया के अंदर अवेलेबिलिटी है। स्टैब्लिश जो होता हुआ नज़र आ रहा था लगभग, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर ही लिखा हुआ है, 1992 में कंपनी बनती है, 1100 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, पैन इंडिया के अंदर पूरी पूरी प्रेजेंस है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क आप देखें, 3100 जगह पर इनका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, R&D है, और अमंग टॉप 15 एग्रोकेमिकल कंपनी इन इंडिया, यानी कि टॉप 15 के अंदर कंपनी आती है। आप एग्रोकेमिकल के अंदर आप समझेंगे आपको आने वाले टाइम में भी बहुत तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है। उसका रीज़न ये है कि देश के अंदर इस समय जो एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट चलती हुई दिखाई दे रही बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपनी R&D सेटअप के द्वारा इस क्षेत्र के लिए अपना योगदान और काम करती हुई नज़र आ रही है। तो एक बार हम बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड के अब चार्ट के साथ साथ इसकी फाइनेंशियली भी हम देखेंगे कि किस हिसाब से ग्रोथ क्वार्टरली बाई क्वार्टरली करती हुई नज़र आ रही है, और कैसे आपको आने वाले टाइम में भी ये कंपनी ग्रोथ देती हुई दिखाई देगी। जैसा कि मैंने बताया, आशीष कचोले जी ने रिसेंटली 940 के भाव पर इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की है, और फ्यूचर में भी आपको किस हिसाब से इसके अंदर से रिटर्न मिलते नज़र आएंगे, वो आपको इसका हेल्थ कार्ड यानी कि फाइनेंशियल चार्ट ही बताएगा कि कैसे इसके अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ है या नहीं है। ट्रेनर की वेबसाइट के ऊपर जहां पर हम समझेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियली रूप से किस हिसाब से दबदबा है और कैसे कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की मार्केट कैप रीच होने वाली है। इसके साथ साथ 706 रुपये का इसका लो है, 1408 रुपये का इसका हाई है, 1232 पर इस समय ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बहुत बढ़िया है, 45% से ज़्यादा की। चार्ट जिस हिसाब से आपको नज़र आ रहा है, ऊपर भी गया है, नीचे भी गया, फिर से भागता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि चार्ट के अंदर हिचकोले हैं, लेकिन पूरे ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप समझिएगा कि क्वार्टर के अंदर, लास्ट क्वार्टर जो गया है, उसके अंदर जो गिरावट थी, उस गिरावट में प्रमोटर ने ही अपने शेयरों को ख़रीद लिया है। 8वें नंबर की अपने सेक्टर के अंदर ये कंपनी है। इसके साथ साथ मैं बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी नेट प्रॉफिट के साथ साथ बहुत बढ़िया रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। पिछले 4-5 क्वार्टर की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कैसे कंपनी के अंदर 15 करोड़ 38 करोड़ 40 करोड़ के नेट प्रॉफिट निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही रीज़न है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ के साथ साथ बहुत बढ़िया रिटर्न और बहुत बढ़िया रिटर्न के साथ आप देखेंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर इस समय इस कंपनी के ऊपर अट्रैक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। 37 करोड़ से
105 करोड़ और 105 करोड़ से 119 करोड़ का जो इसका नेट प्रॉफिट है, जो जीरो से स्टार्ट हुआ था, 4 साल के अंदर आप समझेंगे कि जीरो से डबल डिजिट और डबल डिजिट के बाद सीधा थर्ड, 3 डिजिट और अभी 4 डिजिट ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से रफ्तार कंपनी के अंदर है, उससे आप ये समझिएगा कि कंपनी के अंदर जो पोटेंशियल बना हुआ है वो आपको आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया नज़र आता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली प्रमोटर्स ने अपने शेयरों को ख़रीदा है। यहां पर 22 मार्च के मुकाबले जून 22 यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 2% से ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। उससे पहले भी यहां पर आप देखेंगे 40 से 45 किया गया था, यानी कि प्रमोटर ही अपने शेयरों को, अपनी होल्डिंग को खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी यहां पर ऐसा हुआ, यानी कि प्रमोटर अपने ही शेयरों पर दाव लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। FII और DII की बात करें तो यहां पर FII DII कंटिन्यूसली इस शेयर को अप एंड डाउन रहे हैं और डेफिनेटली जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो इस शेयर के अंदर अपनी एंट्री करते हुए नज़र आएंगे। इससे पहले आप देखेंगे यहां पर जो जून 2021 के अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, उसके अंदर फिर और बढ़ाया और उसके बाद घटाते हुए नज़र आए हैं और कंटिन्यूसली इस समय FII की होल्डिंग घटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन DII की बात करें तो उनकी पोजीशन ऑलमोस्ट पिछले 3-4 क्वार्टर से आप देखेंगे तो उस लेवल पर घूमती हुई नज़र आ रही है जहाँ पर उन्हें सस्टेन होना है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी न्यूज़ इस समय नज़र आ रही है कि आशीष कचोलिया जी ने बहुत तगड़े शेयर इस समय इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च के बाद और पूरी की पूरी रिसर्च, वाकई में हमने समझ लिया कि किस हिसाब से कंटिन्यूसली कंपनी ग्रोथ बनाती हुई दिखाई दे रही है, आपको आने वाले टाइम में भी एक सस्टेनेबल ग्रोथ इस शेयर के अंदर नज़र आएगी। तो ये मेरी पूरी की पूरी कवरेज थी इस शेयर के ऊपर।